Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the different functions of marketing. Okay, कि marketing में क्या-क्या काम होता है. So the very first function that is undertaken in marketing is your marketing research. Now, what is marketing research? Marketing research is nothing but where you systematically collect and analyze the data or the information relating to your marketing problem. मतलब आप क्या करते हो? आपकी एक टीम होती है. वो टीम मार्केट में जाती है, कस्टमर से डेटा कलेक्ट करके लाती है कि उनको क्या पसंद है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, व्हाट प्राइस दे आर रेडी टू पे, विच प्रमोशनल मीडिया इन्फ्लुएंसेस देम, या कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है मार्केटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड या मार्केटिंग के रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाने का और फिर उसको एनालाइज करके उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिर तुमको क्या करना है, अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करना है. ओके, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च. ना मार्केटिंग रिसर्च के अंदर दो मेन एरियाज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका कस्टमर रिसर्च होता है. ना व्हाट इज कस्टमर रिसर्च, नाम से ही पता चलता है, वेयर वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर प्रेफरेंसेस और देयर चॉइसेस और देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ओके, कि उनको क्या पसंद है या उनको क्या पसंद नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं. Why this information is collected? So that we can make the product as per the choice of the customer or as per the preference of the customer, and which will result into customer satisfaction. और वही हमारा marketing का main purpose है. So directly तुम लोग customer research करके उनके information collect कर सकते हो. और secondly होता है dealer research. Now dealer research आप क्यों करते हो? ताकि आपको feedback मिले market demand के बारे में. Okay, कि क्या demand है, किन product की demand की जाती है customer के द्वारा. देन कॉम्पिटिशन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो डीलर्स के पास से. देन कंज्यूमर्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. इससे क्या होता है कि आपको डीलर ओरिएंटेड प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज आप बना सकते हो. क्योंकि क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट जो होता है मार्केट में बेचता है डीलर. डीलर मतलब कि आपके जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं या आपके जो होलसेलर्स होते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर के इन टच होते हैं. ओके, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोडक्ट को बना के रिटेलर को दे देता है, पर प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाने का जो काम होता है वो डीलर करता है. तो डीलर के पास से इनपुट मिलना या फीडबैक मिलना भी आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है. ओके, सो यहाँ पे आप डीलर का रिसर्च करते हो, जिससे आपको मार्केट डिमांड, कॉम्पिटिशन, कस्टमर्स के बारे में वगैरह इन्फॉर्मेशन मिलती है. उसके हिसाब से आप प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आपकी बनाते हो. एक बार आपका मार्केटिंग रिसर्च हो गया तो दूसरा आपका काम होता है प्रोडक्ट डेवलप करना या प्रोडक्ट डिजाइन करना, जहां पे आप क्या करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो. नाउ अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग रिसर्च, जो अभी हम लोग ने देखा वो, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू यू कैन फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर वांट्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. बट प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए या प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है. ओके, नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप क्या करते हो, आप कुछ आपकी टीम होती है जो पूरा रिसर्च करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर कौन से पार्ट्स होने चाहिए, कैसा वो प्रोडक्ट को हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे. वो सब चीजों को डिटेल में स्टडी किया जाता है और एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है. ओके, सो देयर आर मेनी कंपनीज विच यू नो इन्वेस्ट क्रोर्स ऑफ रुपीज और मोर देन मिलियंस ऑफ रुपीज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी टू डिस्कवर और टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट. ओके, पर उसके बाद में इतना खर्चा करने के बाद में एक जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसके ऊपर आप प्रॉफिट सालों साल कमा सकते हो. जैसे निर्मा वगैरह का एग्जाम्पल ले लो आप, या कोलगेट का एग्जाम्पल ले लो. उन्होंने बहुत सालों पहले रिसर्च करके वो प्रोडक्ट को डेवलप किया है, बट उसका प्रॉफिट या उसका बेनिफिट जो है वो अभी भी कमा रहे हैं. यस ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है. उससे ही आप क्या कर सकते हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो एंड यू कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से यू कैन मेक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड यू कैन कैटर और यू कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ योर कस्टमर, बिकॉज आप उनको वो दे रहे हो जो उनको चाहिए प्रोडक्ट. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक वीट फ्लावर है, उसके लिए एक रिटेल बैग वगैरह बनाया हुआ है. ओके, तो वो कैसे हम लोग को प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या किया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा कि कैसे बैग बनाना है, कैसे आटा ये करना है, कैसे उसके अंदर पैक करना है, ताकि हम लोग कन्वीनियंटली वो कस्टमर तक पहुंचे, प्लस कस्टमर उसके लिए डिमांड भी करे, उनको अच्छा भी लगे. देन हम लोग देखते हैं कि पहले जो अपने लैंडलाइंस वगैरह होते हैं, उससे अभी हम लोग क्या हो गए, मोबाइल पे आ गए. तो मोबाइल को डेवलप करने के लिए भी उन्होंने क्या किया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उन्होंने वो एक मोबाइल फोन का डिवाइस क्रिएट किया होगा. तो ऐसे ये प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डिजाइनिंग. ये आपका सेकेंड फंक्शन है मार्केटिंग का.
मार्केटिंग रिसर्च हो गया, प्रोडक्ट बना के हो गया, अभी नेक्स्ट एक्टिविटी इज योर ब्रांडिंग. नाउ ब्रांड मतलब प्रोडक्ट होता है, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं. ब्रांडिंग मीन्स यू आर गिविंग सम नेम टू योर प्रोडक्ट, और यू आर डिजाइनिंग सम स्लोगन और सिंबल और या फिर लोगो आपके प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो. अभी ये जो प्रोडक्ट, तीन चीजें मैंने यहाँ पे बताई आपकी, एक तो प्रोडक्ट को आप नाम दे रहे हो, या तो आप प्रोडक्ट के लिए स्लोगन डिजाइन कर रहे हो, या कोई भी लोगो या सिंबल डिजाइन कर रहे हो. ये तीनों का पर्पस क्या है, देखो इसका पर्पस ये है कि आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी दे सकते हो. जैसे हमारी खुद की आइडेंटिटी होती है हमारा नाम, हमारे नाम से हमको जाना जाता है, वैसे प्रोडक्ट को जानने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ आइडेंटिटी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है. ओके, नाउ आइडेंटिटी देने की तीन चीजें हो सकती है, मैंने आपको बोला था. एक तो ब्रांड नेम हो सकता है, तो ब्रांड नेम जैसे लक्स हो गया, लिरिल हो गया, डेरी मिल्क हो गया, ये सारे क्या हो गए, आपके ब्रांड नेम हो गए. और नाम से वो प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, जाना जाएगा, किटकैट वगैरह जैसा, तो हमको पता चलता है कि ये कैडबरी है करके. देन पेप्सोडेंट मतलब हमको पता है ये टूथपेस्ट है करके. ओके, टाइड ये हमको पता है कि वॉशिंग पाउडर है करके. विम बार ये हमको पता है कि ये डिश वॉश बार है. सो ब्रांड नेम से क्या कर सकते हो, आप वो प्रोडक्ट को जान सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्ट. जब आप ब्रांड नेम रखते हो तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर, याद रहने वाला होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अगर ब्रांड नेम भूल जाएगा तो प्रोडक्ट भी नहीं परचेस करेगा. प्रोनाउंस करने को प्रॉपर आना चाहिए वो ब्रांड नेम. ओके, देन सूटेबल होना चाहिए ब्रांड नेम. नाउ सूटेबल का मतलब जैसे मैं चॉकलेटी वॉशिंग पाउडर ऐसा नाम नहीं रख सकता, बिकॉज वो सूट ही नहीं हो रहा. वॉशिंग पाउडर के लिए चॉकलेटी नाम आप रख रहे हो, इट इज नॉट सूटिंग समवेयर. यस नो, यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए आपका ब्रांड नेम. सेम होगा तो ऑब्वियसली लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. सो जब भी आप ब्रांड नेम रख रहे हो तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है. दूसरा आप क्या कर सकते हो, स्लोगन सॉरी सिंबल या फिर लोगो वगैरह डिजाइन कर सकते हो, जिससे आपके प्रोडक्ट को लोग जान सकते हैं. जैसे ये है लोगो. ओके, ये लोगो देख के आपको फटक से पता चलता है ये नाइकी का लोगो है. सो आई नीड नॉट टू टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट, वो लोगो देख के लोग क्या करें, आपके प्रोडक्ट को पहचान रहे हैं. तो नाइकी का ये लोगो है. देन मैकडोनल्ड का आपको पता है सिल्वर कलर में एम लिखा हुआ रहता है. यस नो, तो उस वो देख के हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं. देन एप्पल कंप्यूटर्स का आप देखते हो कि एप्पल कंप्यूटर का लोगो होता है कि एक एप्पल होता है उसको हाफ खाया हुआ रहता है, तो वो सब. ओके, देन यू हैव स्लोगन्स. नाउ स्लोगन मतलब कुछ कैची फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये स्लोगन है LIC का. यस नो, वैसे ही दूसरे भी लोगन्स ये स्लोगन्स वगैरह होते हैं, जैसे बिकॉज यू वर्थ इट L'Oreal पेरिस का. So, ये स्लोगन जो होते हैं इसके थ्रू भी लोग क्या कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो ब्रांडिंग विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. द नेक्स्ट फंक्शन इज प्राइसिंग. एक बार आपका मार्केटिंग रिसर्च होके पेपर प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया, आपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग भी किया, नाउ यू हैव प्राइसिंग. नाउ व्हाट इज प्राइसिंग, प्राइसिंग इज एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, कि आप प्रोडक्ट को खरीदते हो तो उसके बदले में जो आप वैल्यू पे करते हो वो मार्केटर को या वो सेलर को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू को प्राइसिंग. ओके, नाउ प्राइसिंग जो होता है, यू कैन नॉट रैंडमली डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यू नीड टू कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स बिफोर यू फिक्स द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट. तो आप कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हो, सो यू कंसिडर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हाउ मच कॉस्ट इज इनकर्ड टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट यू नीड टू कंसिडर. ओके, अकॉर्डिंगली यू विल एड द प्रॉफिट इन टू इट एंड यू विल चार्ज द प्राइस. You will have to consider the economic condition also. What is the economic condition going on in the market? If the economic condition is not conducive or proper, then definitely you cannot charge higher price. You'll have to keep your price low. Economic condition bahut achhi hai, then you can charge higher price. Then you'll have to see the competitor pricing strategy, how much he is charging. Agar wo kam charge kar rahe, aap jyada charge kar rahe ho, then definitely that will not do because otherwise customers will go to your competitors only. So you'll have to keep your price somewhere near to the competitor's price. Then you'll have to see the image of your firm. What is your goodwill in the market? Okay, reputation aapki kya hai, uske hisab se aap price charge kar sakte ho. So your after you make the product, after you develop the product and brand your product, you'll have to fix the price of your product. Now after prices, what you have to do is your promotion. Now, promotion का मतलब क्या होता है, you understand first. Promotion is nothing but the communication. Promotion में आप क्या करते हो, communication करते हो किसके साथ, target audience के साथ. Why this communication is done? To create the awareness about your product in the mind of customers. आपके customer के mind में आपके जो भी नया product है या जो भी आपका product है उसके बारे में awareness create करना. Plus कभी कभी क्या होता है, promotion किया जाता है for the reminder purpose.
क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट सेल प्रमोशन लोग देखते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में भूल जाते हैं. सो यू विल हैव टू रिमाइंड देम अबाउट योर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन. सम प्रमोशन इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन अबाउट योर प्रोडक्ट. With promotion, you can create the awareness about your product in the mind of target customer, or you can remind the customer about your product. Now, promotion करने के अलग-अलग तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है आपका advertising. So, advertising, advertising is a paid form of non-personal promotion. Means advertising के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और ये non-personal promotion होता है, जहाँ पे face-to-face communication possible होता नहीं है. Advertisement करने के अलग-अलग मीडिया होते हैं, TV, radio, newspaper, magazine. Whichever media is suitable to your budget, is suitable to your product, you can select for your advertising purpose. So promotion का एक ये तरीका है. Next, you can use sales promotion. Now sales promotion मतलब कुछ techniques होती है जो आपका short term sales बढ़ाने में आपको help करता है. जैसे कोई discount वगैरह आपने दे दिया, कोई exchange offer भी दे दिया, combo offer आपने दे दिए, या guarantee warranty दे दी. Okay? इससे क्या होता है कि आपका जो सेल्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए इंक्रीज होता है. जैसे कि आपको पता है संतूर सोप के ऊपर स्पून फ्री मिलता है, या पहले पेन फ्री दिया जाता था. यस नो, गुड डे बिस्किट्स के ऊपर 20% एक्स्ट्रा दिया जाता है. ओके, देन आपके ये प्रेस्टीज कुकर है, उसके ऊपर एक्सचेंज ऑफर आता है कि आप पुराना लेके आओ कुकर और नया कुकर लेके जाओ. सो दीज आर ऑल टेक्निक्स विच यू यूज टू इंक्रीज योर सेल्स, इज कॉल्ड एज सेल्स प्रमोशन. हाँ, गारंटीज वगैरह देते हो, 2 साल की गारंटी, 1 साल की गारंटी, ये सब भी क्या है, आपके सेल्स प्रमोशन स्कीम्स है. इसके थ्रू लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है. देन यू हैव पर्सनल सेलिंग. नाउ पर्सनल सेलिंग मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग सेल्समैनशिप बोलते हैं, जहाँ पे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो कस्टमर के पास जाता है, उनको कन्विंस करता है टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट आफ्टर एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट. और फिर बाद में वो कन्विंस हो गए तो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं. So, ये भी प्रमोशन का एक तरीका है, जहाँ पे सेल्समैन के थ्रू आप लोगों को क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो अबाउट योर प्रोडक्ट. अभी सेल्स प्रमोशन के लिए यहाँ पे मैंने 3 आपको प्रमोशन मिक्स बताए हुए हैं. उसके अलावा भी होते हैं, जैसे पब्लिसिटी आप कर सकते हो, आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हो प्रमोशन करने के लिए. देन देयर कैन बी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन. फिर आपके प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है, वो पैकेजिंग इटसेल्फ इज योर प्रमोशन मिक्स. ओके, सो अलग अलग तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हो, सो दैट पीपल विल नो अबाउट योर प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज टेस्ट मार्केटिंग. नाउ टेस्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो आप उसको स्मॉल मार्केट में क्या करते हो, लॉन्च करते हो, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्रोडक्ट. मतलब जैसे कि सपोज आपने कोई फ्री सैंपल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, या लोगों को आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो. ओके, ताकि लोग क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, टेस्ट करेंगे, और उनको वो अच्छा लगा तो वो लोग क्या करेंगे, तुम्हारे प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे. और आपको फेवरेबल रिस्पांस अगर आ रहा है वो टेस्ट मार्केटिंग का, तो आप आपके प्रोडक्ट को फिर क्या कर सकते हो, वाइड मार्केट में या लार्ज मार्केट में फिर उसको आप लॉन्च कर सकते हो. डायरेक्टली आप लार्ज मार्केट में आपके प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करोगे, टेस्ट मार्केटिंग पहले करोगे. उसका रिजल्ट क्या आता है, लोग क्या फीडबैक देते हैं, वेदर पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट प्रोडक्ट और नॉट, ये सब आप फाइंड आउट करने के बाद में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो आप वो प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में लार्ज मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हो. और अगर सपोज टेस्ट मार्केटिंग का फीडबैक इतना अच्छा नहीं आया तो आपको प्रोडक्ट के अंदर उसके हिसाब से जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो करने पड़ेंगे. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि एक डोनट शॉप है, जिनको 5 डोनट जो है वो मार्केट में लॉन्च करने, तो पहले वो क्या करेंगे, 2 लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, वहां पे वो लोग उसका टेस्ट मार्केटिंग करेंगे. वहां से अगर उनका पॉजिटिव फीडबैक आया कस्टमर्स का, या कस्टमर्स ने उसको एक्सेप्ट किया प्रोडक्ट को, तो फिर बाद में वो लोग उसको क्या करेंगे, नेशन वाइड मतलब पूरे देश में उसको फिर लॉन्च करेंगे वो लोग. पर पहले इनिशियली वो 2 लोकेशन पे उसको लॉन्च करके टेस्ट मार्केटिंग करके देखेंगे. तो टेस्ट मार्केटिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू अवॉइड यू नो एनी फॉल्ट इन द प्रोडक्ट एट द इनिशियल स्टेजेस इटसेल्फ. फिर होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस. 4 P's के अंदर जो प्लेस होता है वो तुम्हारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग इसको बोल सकते हैं सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कस्टमर. आप प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचते हो, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ सेलिंग जो होता है या डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, 2 टाइप का हो सकता है, 2 मोड से हो सकता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो होता है वो फाइनल कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल करता है. देर इज नो इंटरमीडियरी इन बिटवीन. कोई भी रिटेलर, होलसेलर, एजेंट्स वगैरह होते नहीं है. सेल्समैन के थ्रू या फिर तुम्हारे खुद के व्हीकल के थ्रू तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो.
जैसे टप्परवेयर वगैरह आपको पता है, ये कंपनीज क्या करती है, उनके खुद के प्रोडक्ट्स को वो कस्टमर तक फाइनली पहुंचाते हैं, उनके कोई भी ये मिडलमैन वगैरह होते नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग आप इस हिसाब से कर सकते हो। देन यू हैव इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे आपके इंटरमीडियरीज होते हैं, इंटरमीडियरी के थ्रू आप क्या करते हो, वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हो। ओके, सो जैसे कि आपको पता है ये बिग बाजार वगैरह हो गया, डीमार्ट वगैरह हो गया, ये सारे आपके इंटरमीडियरीज है, रिटेलर्स है, जिनके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। ओके, सो दिस इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ना प्रोडक्ट को बेचने के बाद में आपकी मार्केटिंग खत्म नहीं होती है, प्रोडक्ट को बेचने के बाद में यू विल हैव टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस टू योर कस्टमर्स। नाउ व्हाट इज आफ्टर सेल सर्विस? प्रोडक्ट को बेचने के बाद में आप जो सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हो या ट्रीटमेंट जो आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर सेल सर्विस। और ये आफ्टर सेल सर्विस जरूरी होती है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, आपने कोई कंप्यूटर वगैरह खरीदा, एसी खरीदा, सो जो भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आप परचेस कर रहे हो उसके लिए आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि सपोज आपने एसी खरीदा तो एसी को फिट कराना पड़ता है घर के अंदर, जैसा वो जो होता है वो कंपनी के द्वारा किया जाता है, फिर वो एसी को हम लोग को साल में एक बार या दो बार हम लोग को मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ता है। सो ये आपकी आफ्टर सेल सर्विस होती है। ओके, सो प्रोडक्ट बेचना इज नॉट एंड ऑफ योर मार्केटिंग। आफ्टर सेलिंग दैट प्रोडक्ट यू विल हैव टू इंस्टॉल दैट प्रोडक्ट एट कस्टमर प्लेस, यू विल हैव टू प्रोवाइड हिम सर्विस, सर्विसिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ये सब को हम लोग बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आफ्टर सेल सर्विस जो होता है वो आपके लिए भले ही रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है या आपके लिए प्रॉफिट जनरेट नहीं करता है कहीं पे भी, पर ये आपको गुडविल क्रिएट करके देता है। और इस गुडविल की वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को मार्केट में ग्रो कर सकते हो, आप नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो दो इट इज नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यू फॉर योर कंपनी, बट इट इज क्रिएटिंग और इंक्रीजिंग द गुडविल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। जैसे कि आपने बाइक खरीदा, ओके, सो बाइक को मेंटेनेंस करने के लिए वगैरह आप आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करोगे, सो दैट इज द एग्जांपल। अभी MIS करके एक कॉन्सेप्ट होता है, MIS का मार्केटिंग के मतलब अंदर मतलब होता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नाउ सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आपके मार्केटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो और जब भी वो इन्फॉर्मेशन को चाहिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि टैली होता है, तो टैली किसके लिए होता है? आपके अकाउंटिंग पर्पज के लिए होता है। उसके अंदर आप सारे वाउचर्स वगैरह या दूसरी बैंक एंट्रीज वगैरह करते हो, या परचेस कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, ये सारे एंट्रीज करते हो, तो फिर आपको वो टैली क्या करता है, बैलेंस शीट बना के देता है आपको, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देता है, आपके डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर कितने, ये सब चीजें आपको उसके अंदर मिल जाती है रेडीमेड। यस नो, सेम वे यहाँ पे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, फिर उनकी प्राइस कितनी है, फिर बाद में उसका प्रमोशन आप कैसे करते हो, ओके, उसका सेलिंग कितना हुआ है, वो सब जो इन्फॉर्मेशन होता है वो उसके अंदर आप फीड अप करते हो। और ये इन्फॉर्मेशन आप फीड करने की वजह से आपको मार्केटिंग डिसीजन लेने में हेल्प होता है। जैसे सपोज एक प्रोडक्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने कंप्यूटर के अंदर फीड की कि वो प्रोडक्ट को कितना सेल हुआ है, तो लास्ट ईयर कितना सेल हुआ था, इस साल कितना सेल हुआ है, या कंपेयर कर सकते हो। जिन प्रोडक्ट का सेल बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली उसके मार्केटिंग के ऊपर आप ज्यादा एम्फोसिस करोगे। जिन प्रोडक्ट का सेल कम हो रहा है उसको तुम मार्केट में से क्या करोगे, आप विड्रॉ कर रहे हो, करोगे कुछ सालों के बाद में, बिकॉज कंटिन्यूअसली अगर वो प्रोडक्ट आपको लॉस करके दे रहा है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को मार्केट में कंटिन्यू करने में कोई मतलब नहीं है, उसको आप विड्रॉ करो या उसमें कुछ ऑल्टरेशन करके उसको रीलॉन्च करो मार्केट के अंदर। ये डिसीजन आप क्यों ले पाए कि प्रोडक्ट को मार्केट में रखना है कि नहीं रखना है, बिकॉज ऑफ द MIS। सो MIS विल प्रोवाइड यू all the information about the marketing for the decision purpose, okay? कि कौन सा प्रोडक्ट है, प्राइस कितना है, उसका सेल्स कितना हुआ, उसका प्रमोशन कैसे हो रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन इज योर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम लोग CRM बोलते हैं। नाम से ही पता चलता है कस्टमर रिलेशनशिप इज नथिंग बट वी आर मेंटेनिंग द लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द कस्टमर। कस्टमर ने एक बार प्रोडक्ट आपके पास से परचेस किया एंड योर मार्केटिंग विल बी ओवर, ओके, योर रिलेशन विद द कस्टमर इज ओवर, इट इज नॉट सो। आपको कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना है, बिकॉज दैट कस्टमर हैज टू कम टू यू अगेन एंड अगेन। और जब कस्टमर के साथ आप अच्छा रिलेशन रखते हो तो वही कस्टमर्स आपको क्या करेंगे, और कस्टमर्स बढ़ा के देंगे। जैसे मार्केटिंग के डेफिनेशन में हम लोग ने पढ़ा हुआ है,
getting, keeping and growing the customers. Means we have to get the customers, we have to keep the customers, and we have to grow the customers. And that is possible only with the CRM. So you are maintaining long-term relation with your customer. Now, customer ke sath relation maintain karne ke alag alag techniques hote hai, jisme sabse pehle hai loyalty programs. Now, loyalty program matlab kya? Ki jo aapke loyal customers hote hai, unko aap koi gift vegara offer karte ho, ya kuch to aise aap cheezo offer karte ho, jisse kya hota hai ki customer ke loyalty ke upar uska impact karta hai. Jaise ki आप कोई भी वेबसाइट से वगैरह शॉपिंग करते हो तो आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं, यस ना. सो पॉइंट को आप जमा करते हो और फिर बाद में वो पॉइंट जब एक पर्टिकुलर लिमिट तक जाते हैं फिर उसको आप रिडीम कर सकते हो और आपको फिर वो कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं. जैसे आपके पापा के पास अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो आप देखना जितना शॉपिंग आप करोगे उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट जब वो 1000 पॉइंट्स या 10000 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आप उनको रिडीम करवा सकते हो, जिससे आपको वो गिफ्ट वगैरह जैसे मिक्सर वगैरह हो सकता है या दूसरा कोई भी आपको कहीं पे घूमने का वगैरह टिकट वगैरह आपको मिल सकता है, जैसे मूवी के टिकट्स वगैरह आपको मिल सकता है. सो ऐसे आप कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे रहे हो आपके लॉयल कस्टमर्स को बिकॉज दे आर बाइंग योर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन और दे आर प्रिफरिंग योर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन. सो उससे आपका कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है. सेटिस्फेक्शन सर्वे आप कस्टमर्स का कर सकते हो वेदर कस्टमर्स आर हैप्पी विथ योर प्रोडक्ट और नॉट. जैसे कि प्रोडक्ट बेचने के बाद में उनको एक बार कॉल करके पूछ सकते हो वेदर प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू यू और नॉट, प्रोडक्ट इज इंस्टॉल्ड और नॉट, वेदर दे आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट और नॉट, वेदर दे नीड एनीथिंग एल्स. ये सब चीजें आप सेटिस्फेक्शन सर्वे कस्टमर्स का करवा सकते हो, उनके पास से फीडबैक ले सकते हो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, उससे भी कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है. एंड देन प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम मीन्स आपके कुछ सपोज स्पेशल कस्टमर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बैंक वगैरह का एग्जांपल हम लोग लेते हैं. बैंक में कैसे होता है कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो करोड़ों का ट्रांजेक्शन करते हैं आपके यहाँ पे, ओके. अगर सपोज उनको कुछ अर्जेंट काम है तो आप उनको प्रायोरिटी बेसिस पे वो काम करके देते हो बिकॉज दे आर योर यू नो प्राइम कस्टमर्स और दे आर योर बिग कस्टमर्स, जिसकी वजह से आपके बैंक को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है. या फिर दूसरा आप देखते हो बिग बाजार में एक प्रॉफिट कार्ड करके एक ये है स्कीम है. वो प्रॉफिट कार्ड में कैसे होता है कि आपको प्रॉफिट कार्ड परचेस करना होता है जिसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप 12000 का शॉपिंग कर सकते हैं और आपको पे सिर्फ 10000 रुपीज करना है, ओके. हर महीने आपके अकाउंट में से उतना 1000 रुपीज वगैरह कट होते रहता है. सो आप आराम से 12000 का शॉपिंग कर सकते हो और 10000 का पेमेंट कर सकते हो. प्लस वहां पे कैसे होता है कि पेमेंट करने के लिए बिग बाजार में वगैरह बहुत बड़े बड़े क्यूज होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स वहां पे आते हैं. पर आपके पास अगर ये प्रॉफिट कार्ड रहेगा तो आपको क्यू में खड़े रहने की जरूरत नहीं होती, आपके लिए अलग से कस्टमर डेस्क होता है जहाँ पे आप जाके पेमेंट कर सकते हो. सो यू आर गेटिंग प्रायोरिटी ओवर अदर कस्टमर्स. इससे भी क्या होता है कस्टमर के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प होता है. सो दीज वेर ऑल द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विच स्टार्टेड विथ योर मार्केटिंग रिसर्च एंड देन योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सेल सर्विस मेंटेनिंग रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स. ये सारे फंक्शनिंग होते हैं मार्केटिंग. थैंक यू. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.